हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज का वीडियो में आपको हम बताएंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आप अकाउंट कैसे खोल सकते हैं और इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसमें कितना बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है और ये कहां से खुलेगा और आपको क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो सबसे पहले तो फ्रेंड, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो कैसा लगा नीचे में कमेंट करिएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड, आपको यदि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट खोलना है, ये बहुत ही ट्रस्टेड बैंक है। यदि आप ऑनलाइन बहुत सारा काम करते हैं, जैसे रिचार्ज मोबाइल कुछ भी बहुत सारा ऑनलाइन काम करते हैं और पेटीएम का यूज करते हैं, ठीक है, पेटीएम का यूज करते हैं, तो पेटीएम से अच्छा आपको मैं अच्छा नहीं कहूँगा, पेटीएम का मतलब पेटीएम की तरह ही आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड, आपको अकाउंट खोलने से पहले प्ले स्टोर में जाना होगा और यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो फ्रेंड, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जैसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में लिखा रहेगा न्यू IPPB। इसका मतलब ये है कि आप यदि न्यू खोलना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करिएगा, यदि आपका पहले से तो यहाँ क्लिक करना ऊपर में लॉगिन में। तो जैसे भी यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको कोई मोबाइल नंबर देना होगा और यहाँ पे डिजिटल सेविंग अकाउंट क्लिक करना होगा और यहाँ आपको पिन नंबर देना होगा। पिन नंबर देने के बाद चलिए हम पिन नंबर दे देते हैं, मोबाइल नंबर दे देते हैं। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर और पिन नंबर दे दिया। तो यहाँ पर हमारा आधार नंबर देना होगा, यदि आपका आधार नंबर देना होगा यहाँ पे, आपका आधार नंबर देने के बाद आपको इसमें दोनों में क्लिक करने के बाद सबमिट करना होगा। एक्चुअली फ्रेंड, मेरा इसमें अकाउंट है ऑलरेडी, तो मुझे तो आधार नंबर देने से नहीं होगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं, यदि आपका अकाउंट, तो फ्रेंड यदि आपको खोलना है तो आपको यहाँ आधार नंबर देना होगा। सबमिट करने के बाद आपको फ्रेंड, यदि आपका आधार नंबर और मोबाइल नंबर लिंक है तो ये इंस्टेंट अकाउंट खुल जाएगा, आप यूज कर सकते हैं, आपको पूरा यूज होगा, आपको जितना भी यूज कर सकते हैं। पर इसमें 1 लाख रुपये लिमिट रहेगा, आप 1 लाख रुपये से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते हैं, ना एक बार में निकाल सकते हैं। तो फिर चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ अकाउंट खोलने के बाद कैसा इसमें इंटरफेस रहेगा। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं, तो फ्रेंड आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट खोलने के बाद यदि आप खोलाइएगा तो कुछ ऐसा नज़र आएगा बैंक अकाउंट। इसमें आपको मनी सेंड होगा, रिक्वेस्ट होगा, बिल पे कर सकते हैं, आपको डेबिट कार्ड भी मिलेगा, भीम UPI का भी यूज़ कर सकते हैं और इससे आप हर तरह का बिल पे कर सकते हैं। मेरा तो अभी अकाउंट आप देख रहे हैं यहाँ मेरा नाम, और इसमें तो मैं अभी जस्ट ओपन ही किया हूँ, इसका यूज भी नहीं किया हूँ एक बार भी। तो आप देख सकते कुछ ऐसे इसमें आपको बहुत सारा सुविधा मिलेगा, जैसे कि आप इसमें कहीं भी पैसा सेंड कर सकते हैं बिना चार्ज, 1 रुपये भी चार्ज नहीं लगेगा। और फ्रेंड, इसमें आपको एक डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा जो वर्चुअल डेबिट कार्ड होगा। यदि आपको फिजिकल डेबिट कार्ड लेना होगा तो कुछ पैसा पे करने के बाद आपको फिजिकल भी मिल जाएगा। इसमें आप पोस्ट ऑफिस में जाके इंडिया में कहीं भी आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और कहीं भी जाके कैश निकाल सकते हैं सिर्फ आधार कार्ड के ज़रिए। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा होगा नीचे कमेंट करके बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।